मैं ज्यादा जाता रहा नवे शहर गोल्डी को। अच्छा गोल्डी एक सत दर्जी है एक नीडा हो इंदे को जाते रहे अस। अच्छा अच्छा तो बाकी इं गए उतो उस दिन मिले किसी ने तो फिर अगे चली गए सतराइए उत्थे फिर एक मुड़े ने रखे कबूतर जोड़ा हाँ पसंद आया माँ प्यो अच्छा मैं डोए दिन दो क्रॉस कराई अगर जोड़ा बनाया मैं क्रॉस लाए यही चूहा नसल चो। अच्छा ये माँ प्यो ही नसल वह भी चूहा नसल च ही। अच्छा टिंडे क्रॉस करा के जोड़ा बनाया पैंती जोड़ा बनाया हूँ। अच्छा अगर पैंती बच्चे निकला देने ये देखो दोस्तों किन्नी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट कबूतर का शौक कराते हैं। एक कबूतर आया कुकड़ियाल तो कुकड़ियाल चप्पू को किन्ने देर पहले चप्पू चप्पू नाम मुड़े का यह भी हो सत्त अठ साल हो लिया दे। अच्छा तो कबूतर काफ़ी पुराना कबूतर होना कोई जी। नमस्कार दोस्तों क्या हाल चल है सब भाइयों का। तो सब भाइयों का मेरा नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। तो कैसे हैं सब भाई सब ठीक ठाक है सब खैरियत है तो उम्मीद करूँगा सब अच्छे भी होंगे। तो दोस्तों आ चुके हैं नेक्स्ट पार्ट में महेंद्र जी की छत पे जो हमारे सीनियर पांडे वाले नाम से जाने जाते हैं और पांडे वाले से नाम से जाने जाते हैं। इनका जो निक नेम जो हर कोई जानता है तो वो पांडे वाले ही है ना महेंद्र पांडे वाले जी और महेंद्र महेंद्र नाम ऐसे बोलते हैं। तो आज इन्हीं की छत पे आज इनके कबूतरों का शो कराएंगे। काफ़ी अच्छे पुराने कबूतर इनके पास तो जरूर वीडियो को देखिएगा और कमेंट्स करके भी अपनी राय रखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे साथ बैठे हैं हमारे पुराने सीनियर बुजुर्ग महेंद्र जी। तो सबसे पहले इनका वेलकम करते हैं हम अपने चैनल पर जो कीमती टाइम दे के और इतनी गर्मी में तो हम एक मौका दिया अपनी छत पर आने का और अपने अच्छे अच्छे जो पुराने नस्ल कबूतर हैं इसको सोशल मीडिया पे लाने का तो एक बहुत बड़ी बात है। और ये देखें तो आज इनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और इनसे जानेंगे कौन कौन सी नस्लें इनके पास और कितनी देर देर से ये नस्लें की चल रही हैं। तो नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। तो अंकल जी इंदे बारे दसना है जी किन्ने के पुराने कबूतर इनको चले दें और इंदा के परफॉर्मेंस इंदे जे तुसीं उड़ा के चेक कीते ते के परफॉर्मेंस इंदे कबूतर दी ए आपे उड़ाए दे ने मैं एक्चुअली ये जोड़ा लिया हाँ मैं सतराइयो। अच्छा सतराइ हाँ यदा माप किन्ने साल पहले ये कोई दस साल पहले ए, अच्छा तो ये दो चार पीस हाले उधर भी है पेदे पर इंदे बच्चे डुआए ने मैं कोई साढ़े पांच छे घंटे तक डुआरी इंदी है साढ़े पांच छे घंटे मतलब कि आम हो आम कनक दाने पर। अच्छा ये किन्ने कि सतराइ कि सतराइयो लिया ना नहीं मैनू याद मुड़ता गए तो इं गए संडे आए दिन गए दो त्रै जगह गए तो नहीं मिले मैं उधर तुम्हें चक्कर घट ही लगता ना मैं ज्यादा जाता रहा नवे शहर गोल्डी को। अच्छा गोल्डी एक सत्त दर्जी है ते एक नीडा हो इंदे को जाते रहे अस। अच्छा अच्छा तो बाकी इं गए उतो उस दिन मिले किसी ने तो फिर अगे चली गए सतराइए उत्थे फिर एक मुड़े ने रखे कबूतर जोड़ा हाँ पसंद आया माँ प्यो अच्छा यह मैं डोए दिन दोए क्रॉस कराई अगर जोड़ा बनाया मैं क्रॉस लाए यही चूहा नसल चो। अच्छा ये माँ प्यो ही नसल वह भी चूहा नसल च ही। अच्छा टिंडे क्रॉस करा के जोड़ा बनाया पैंती जोड़ा बनाया हूँ। अच्छा अगर पैंती बच्चे निकला देने दे। देखो दोस्तों किन्नी नयाब अखें ना चमक देखो अखा च दस साल तो पुराने कबूतर इंसान पर पल्ले दिखाए भी जींदे करीचे जने ले जी पूरा पल्ला नहीं देखो ना इदी तिलियां जड़ियां मेन देखो पर्च देखने लई कहंदी है ना इदी तिलियां ये देखो कितनी चंगियां ना ये देखो बारीक तिलियां पर देखो कि चढ़ाई ट्रांसपेरेंट एक बरीक नहीं है ना पीने वाले पर चढ़ाई देखो इस साइड देखो और इस कबूतर इस साइड देखो किस तरह कि बैलेंस किया।
ਪਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਡੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਬੂਤਰ, ਇਹ ਉਡਾਏ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਦੀ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਮਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਕਲਮੰਦ, ਕਿੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਮਾਦੀ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਮੂਰਾ ਪੂਰਾ। ਪੰਜ ਛੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਦਾਣੇ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਆਮ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਵਾਪਸੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਵਾਪਸੀ ਪੂਰੀ। ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਗਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਅੱਛਾ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਗਲੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਖੱਜਲ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਖੱਜਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉੱਡਿਆ, ਕਟੋਏ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਲੀ ਦਾ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਲੀ ਦਾ ਹੀ ਪਰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉੱਡਿਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉੱਡਿਆ ਅਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਖੱਜਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਘਰ, ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪੇਦਾ ਪਰੇ ਮੇਰੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਦੀ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ? ਇਹ ਬਟੇਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। 97 ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਚੁੰਗੀ ਪਰ, ਅਤੇ ਇਹ 97 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਨਸਲ ਮੇਰੇ ਚੱਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਹੀ ਪੀਸ ਬਚਦੇ, ਦੋ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਸਲ, 27 ਸਾਲ ਦਾ ਨਸਲ ਚੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਦੋ, ਨਸਲ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਉੱਡਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਆਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਨੇ ਚੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 6 ਸਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ, 6 ਸਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਕਬੂਤਰ, ਪੁਰਾਣਾ ਕਬੂਤਰ, 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਬੂਤਰ ਇਹਦਾ। ਤੰਗਲ ਜੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਲਏ? ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਲਏ ਸੀ, ਡਵਾਏ ਸੀ ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੈਰੀ ਖਾ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੇ ਛੜਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਂਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਂਡੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਦੇ, ਸਾਲ ਹੋਈ ਆਂਡੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਂਡੇ ਸਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਬੋਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਬੂਤਰ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਬੂਤਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਚਲੀਏ ਦੋਸਤੋ ਨੈਕਸਟ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ ਕੁੱਕੜਿਆਲ ਤੋਂ, ਕੁੱਕੜਿਆਲ ਚੱਫੂ ਕੋਲੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ? ਚੱਫੂ ਚੱਫੂ ਨਾਮ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ ਇੱਕ 7-8 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਲਿਆਂਦੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਕਬੂਤਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ 15-16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਕਬੂਤਰ, 8 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਲਿਆਂਦੇ ਦੇ, ਉਹਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਚਲ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਬਰੀਡ ਜਿਹੜੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਉਡਾ ਗਏ? ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਡਵਾਏ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ 4-4 ਗਲੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ 4-4 ਗਲੀ ਦਾ ਸੀ ਇਹ, ਅਤੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 3-3.5 ਘੰਟੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, 5 ਡਵਾਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੱਟ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਕਰੀਜ਼ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ,
सारे पर खराब हैं। बड़े चंगे ये मदीन है जी। ये जोड़ा हमने लिया मैं रिंकू को सरोड़े आले को नारा ये ये कोई दो को महीने हुई है ना लिया दे। पूरा प्रिंट दोस्तों ये पूरा प्रिंट डबल पार तक उतर ही मोहर लगी दी छे सत्त मोहर ही लगी दू। अच्छा इस कबूतर इस फड़े आए थे स्टिकर लगे थे ये लगातार पंजे महीने लगातार इतने सवा महीना डेढ़ महीना उड़े दा लोग कबूतर बह जाते डेढ़ दो बजे उसले एक कबूतर साढ़े चार बजे मतलब के शो होंदा ही परों ते पांच साढ़े पांच बजे पैर लांदा ही एक शराब फैक्ट्री बोंदा ही जाइए। फिर एक दिन उत्थे दाना पानी खत्म हो गया मतलब उत्थे बंद ही शराब फैक्ट्री बीयर शीयर वह ज्यों खाता हा पानी पीता हा तो ठीक ही जल्द उत्थे खत्म हो गया दाना पानी फिर ये डिगया मेरे जाले पुराण के और ये बच्चे की डुआरी बड़ी एक कबूतर का कलर बहुत ही नहीं आप कबूतर बहुत ही नहीं आप ये दोस्तों टैडी कबूतर जो आज का दौर हर किसी को पसंद की ब्रीड हर किसी के छत पे एक आम नस्ल देखने को मिल जाती है वो है टैडी। उसका ट्रेंड इस टाइम चल रहा है ना हमारे अंकल के पास भी ये टैडी कबूतर है। अगर ये कितने देर देख कबूतर है बोले टैडी ये जोड़ा कोई पाँच साल पुराना मेरे को पाँच साल। हाँ जी ये आया था अकलपुरों जोड़ा तेरा यार चला है फोन आशीष कटी लेंगे ते बच्चे अंकल जी दे उड़ाए दे चेक किते ते बच्चे हां बच्चे उड़ाए दे ने दे। अच्छा बच्चे उड़दे ने दे 6 घंटे तक डवारी है बच्चियां दी 6 घंटे तक उड़ाए हां दाने पानी नाल। अच्छा सिंपल दाने नाल हां ये जोड़ा हुन बनाया नर सही कबूतर लाया सवारी तो उड़न बसती हूं। अच्छा ते ये मेरी छत ते आ गई है दी मदीन गोल्डन लाई दी जेड़ी मैं। अच्छा और मैं आख्या मैं लै जाओ जिदी है ले जाओ मगर आया कोई नहीं है लैन। किन्ने देर पहले अंकल जी कबूतर लिया कबूतर मैंने लिया सिर्फ दो महीने हुए ना दो। अच्छा दो नया नवा जोड़ा नवा जोड़ा बनाया गोल्डन क्योंकि गोल्डन है नहीं मेरे को। अच्छा क्वालिटी कबूतर अच्छा दोस्तों ये लास्ट कबूतर का शो कराने जा रहे हैं तो ये नीला कबूतर और काफ़ी नायाब काफ़ी अच्छे क्वालिटी का कबूतर है जी। ये देखें कबूतर इसका चेहरा मोरा देखें पलकें देखें ये पलाएँ वाला कबूतर फुड़ाया है जी। अच्छा लिया था मैं आज तो कोई 10 साल पहले। अच्छा 10 साल पहले 10 साल पहले लिया था तो दो भरा सोनी सोंगी। अच्छा इतने छड़ गए मेरे को आ कबूतर तो उन्होंने कबूतर पाया मेरे व्हाट्सएप पर तो मैंने कहा लै आ ली आता उन्हें कबूतर ये कबूतर आखते ने ज्योति का ज्योति फौजी का शामी 4-4 बजे तक उड़ता वह कबूतर है। इतने मेरे को भी परदार हो गया एक बारी तो 3-3.5 घंटे मारे तो टावर दे बह गया टावर तो सीधा टावर तो सीधा फिर मूँह किया मेरे वाले कोठे सैड तो टावर तो वापस आ गया घर। अच्छा पक्की नस्ल बिल्कुल पक्की ये बच्चे उड़ते हैं मेरे को 5-6 घंटे बच्चे उड़े करते हैं उड़ाए देने काफ़ी नहीं आपको तो पला पले साइज लेंथ ये देखो बगल कितनी बड़ी हुई कर दी। ये देख मुझे कटोए था ये काफ़ी बड़ी बगल है नहीं बड़ी बगल मामा जी बना दी रिजल्ट
तो कैसे लगी दोस्तों आज की वीडियो, तो कमेंट्स करके जरूर बताना है। जैसे अंकल के पुराने पुराने नस्ली जो काफी पुराने कबूतर थे, आज दोस्तों को हमने पूरी डिटेल में बताया कहाँ से आए, कितने देर से हैं, बच्चों के क्या रिजल्ट रहे हैं। तो आप दोस्तों को कैसे लगे कबूतर, तो इसके बारे में जरूर कमेंट्स करके बताना है। और ऐसे ही आप दोस्तों को अच्छे अच्छे कबूतरों के शो करवाते रहेंगे, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और शेयर करेगा, कमेंट्स करके भी अपने परिवार रखिएगा।